भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस तरह की रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको सिर्फ ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेना है। आपको मोबाइल ऐसे स्ट्रेट रखना है और आपको एक माचिस का तिल्ली लेना है और ऐसे सिर्फ घुमा लेना है कैमरा के सामने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरा और एक रिकॉर्ड करना है जिसमें आपको ड्रेस चेंज करके आना है, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपको ऐसे खाली हाथ ही सिर्फ घुमा देना है, ऐसा स्माइल थोड़ा लेते हुए घुमा लीजिएगा, ठीक है। बस नहीं करना है, अब आगे चलते हैं काइन मास्टर में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, वहां से आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आ जाने के बाद आपको वीडियो को पहले सेलेक्ट करना है और उसका वॉल्यूम कम कर देना है। उसके बाद आपको प्ले करके देखना है। आपको देखना है कि आपका वीडियो का स्टार्टिंग कब है, बाकी का आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट है जो काम का नहीं है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे मेरे आगे का ये रिमूव काम का नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ इतना भाग। वैसे ही जो आपका लास्ट का पार्ट है जो आपका काम का नहीं है उसको भी आपको हटा देना है, ट्रिम कर देना है। जैसे मेरा ये आगे वाला पार्ट है जो काम का नहीं है उसको ट्रिम कर दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, ओके। उसके बाद आपको वापस से वीडियो प्ले करके देखना कि आपको माचिस कब नीचे आ रहा है। देखिए अभी ये नीचे आ रहा है, इसे थोड़ा वापस पीछे जाइए हल्का। बस यहाँ पर आने के बाद आपको इसको ट्रिम कर देना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, फिर स्प्लिट एट प्ले हिट कर दीजिए। ये होने के बाद ओके कीजिए। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर स्पीड में जाइए, फिर इसको 0.5 कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो वीडियो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर फिर लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है और वहाँ से आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर जाइए, फिर यहाँ से आप ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ जाने के बाद आप इसको जूम कर दीजिए, इसे जूम कर दीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को बड़ा कर दीजिए, वीडियो के साइज के हिसाब से बड़ा कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस से ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के क्लिप को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको इसको ऊपर ले जाना है। देखिए ऐसे ऊपर ले जाइएगा, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं वैसे ऊपर ले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसे बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, जूम कर दीजिए थोड़ा। उसके बाद वापस यहाँ पर आइए। उसके बाद आप देखिए कि आपका ये माचिस कब आ रहा है नीचे में, देखिए ये भी आया माचिस नीचे। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर की का बटन दिख रहा है आपको, की पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, फिर आगे आइए थोड़ा सा ऐसा आ जाइए, फिर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को नीचे कीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को नीचे कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए, उसके बाद फिर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को नीचे कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए, उसके बाद फिर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को नीचे कर दीजिए। ऐसे आपको बार बार पूरे नीचे तक करना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए ऐसा पूरा ब्लैक हो जाने के बाद अब इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको ये जो ब्लैक कलर है इसको ग्रीन कलर करना है, तो ब्लैक कलर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है उसको पूरा ग्रीन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी आप इसको एक बार प्ले करके देखिए, ओके करके देखिए, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एंडिंग का पार्ट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए,
ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर पर क्लिक कीजिए। फिर आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग वापस से काइन मास्टर में आएगा, दूसरा प्रोसेस करेंगे। वापस से काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को भी आपको वीडियो के साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर देना है। ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको आगे में आना है, फिर आपको लेयर पर जाना है और मीडिया पर जाना है, और अभी आपने जो भी फाइल एक्सपोर्ट किया था उसको वापस लेकर आना है। ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, फिर इसको स्प्लिट कर देना है। ओके कर दीजिए। इतना हो जाने के बाद आपने जो दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको लेकर आना है। इसके लिए आपको पहले यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा इसको, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा इधर पे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और जो भी आपने वीडियो दूसरा वाला रिकॉर्ड किया हुआ उसको लेकर आना है, ठीक है। दूसरा वीडियो आ जाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर सेकंड वाले ऑप्शन में जाइए, फिर इसको भी स्प्लिट कर दीजिए। ओके कर दीजिए, ठीक है। पूरा स्प्लिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है, उसके बाद आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है। अभी आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला लेयर है उसका क्रोमा की निकालना है। ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट कीजिए, फिर इसका क्रोमा की कर दीजिए, इनेबल कीजिए। आपका ये जो ब्लू कलर है उसको पूरा फुल ग्रीन कर दीजिए, और ये वाला को पूरा नीचे कर दीजिए। ओके कर दीजिए। इसका क्रोमा की निकल गया है, अभी देखिए आपका दिख रहा है ये ऐसा। अभी आपको एक बार यहाँ पे वापस से प्ले करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए हुआ। अभी आपको क्या करना है, जो आपका एंडिंग पार्ट है, जो आपका काम का नहीं है, जब ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा तो जो भी आपका एंडिंग पार्ट है उसका ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दीजिए। ओके कर दीजिए, ठीक है। आपका ये वीडियो बनके रेडी हो गया है। फिर आपको ये शेयर वाले बटन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।